अब चलते हैं सोनी सब के सीरियल शुभ लाभ के सेट पर, जहां पर इस दिवाली के मौके पर सविता ही नहीं बल्कि गीतांजलि टिकेकर भी लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए फूलों वाली रंगोली सजा रही है, सेट को दियों से रोशन कर रही है, पूरी श्रद्धा और भावना के साथ लक्ष्मी माँ की पूजा रचा कर रही है, और साथ ही उन्होंने अपने दर्शकों को खास तरीके से दिवाली विश भी किया। मैं आपकी सविता, लक्ष्मी माँ की परम भक्त, आप सबको आमंत्रित करती हूँ मेरे साथ लक्ष्मी पूजन में। आइए साथ में मिलके पूजा करते हैं। दिवाली लिखना चाहती हूँ सारे दर्शकों के लिए। बचपन में हमारा एक फैमिली रिचुअल होता था कि हर अल्टरनेट साल हम दिवाली तिरुपति में मनाते थे। तो एक साल हमारे गांव में मनती थी और एक साल तिरुपति में मनती थी। तो ये कई सालों तक यही रहा है हमारा। तो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो जिस साल तिरुपति जाना होता था तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी, क्योंकि वो ट्रेन ट्रैवल सारे भाई बहन एक्सटेंडेड फैमिली हम सब मिलके जाते थे, तो दिवाली बहुत खास होती थी तब। और साउथ में एक रिचुअल है ब्रह्मोत्सव बोलते हैं, वो बहुत ग्रैंड होता है तिरुपति में। उसको अटेंड करना मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर किया था। हमारी फूलों की रंगोली तैयार है और फूलों के जरिए मैं आपको विश करना चाहती हूँ हैप्पी दिवाली। अब बस एक चीज की कमी है, इस पे दिया रखना चाहिए तो दिवाली कंप्लीट है। एक सेफ दिवाली मनाइए और अपना ख्याल रखिए, और जो आप दिए जलाते हैं उनको ऐसे ही अनअटेंडेड मत छोड़िए, उन पे ध्यान रखिए। काफ़ी एक्सीडेंट्स दिवाली के दौरान होते हैं, तो आप सेफ दिवाली मनाइए। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई हर बार की तरह इस बार भी सास बहू और बेटियां यही मनोकामना करती हैं कि लक्ष्मी माँ सभी से प्रसन्न हो, सभी के घर में सुख समृद्धि आए और जिंदगी खुशियों से भर जाए। मुंबई से विशाल शर्मा और नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।